हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता जम्मी रेसिपीज। विंटर स्टार्ट हो गया है और ऐसे विंटर में अगर गर्मा गर्म आलू के पराठे मिल जाए तो क्या बात है। तो आज मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके पराठे एकदम फुले फुले बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप रेगुलर वाला गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो। थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप हाफ पोर्शन में मैदा और हाफ पोर्शन में आटा भी ले सकते हो। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ जिससे पराठे हमारे खस्ता बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड ऐसा आटा लगाना है। पराठे में आटा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग का रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। आलू को मैंने स्टीम से ही बॉईल किया है और आलू को पूरी तरीके से ठंडा करना है। यहाँ पे मैंने मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है, हरी मिर्ची का पेस्ट, और अदरक को ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो मिर्ची कट करके भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आप क्रश धनिया भी ऐड कर सकते हो, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, अगर आपके पास ड्राई अनारदाना है तो आप वो भी डाल सकते हो, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और फ्रेशनेस लाने के लिए हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ, हमें जब भी आलू का पराठा बनाना है तो उसके स्टफिंग के लिए आलू को बॉईल करें तो उसे पूरी तरीके से ठंडा करें। अगर आप गर्म आलू में स्टफिंग बनाओगे तो वो पानी छोड़ेगा और हमारे पराठे फटेंगे। तो अभी हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो हम आटा देख लेते हैं। अभी हमें आटे को थोड़ा अच्छे से मसल कर स्मूथ कर लेना है। आप देखिए आटा कितना स्मूथ हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैंने बड़ी साइज़ में, बॉल साइज़ में आटा लिया है और उसे हमें साइड से प्रेस करते हुए एक कटोरी जैसा बनाना है। ध्यान रहे, बीच से हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, साइड से प्रेस करना है और एक कटोरी टाइप बनाना है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। अगर आप बीच से पतला करोगे तो पराठे फटेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने बड़ी अमाउंट में स्टफिंग रखा है। तो अब हमें इसे बंद करते समय एक ट्रिक करना है कि हमें थंब से आलू के मसाले को अंदर की तरफ पुश करना है और आटे को बाहर की तरफ पुश करना है। ऐसा करते करते आटा ऊपर की तरफ आ जाएगा और हमें उसे चारों तरफ से बंद करके प्रेस कर देना है। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया है और अभी हमें इसे आटे में अच्छे से, सूखे आटे में अच्छे से डस्ट करना है। एक्स्ट्रा का आटा हमें निकाल लेना है। हाथों से ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे पहले। अभी हमें पराठे बेलने के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि हमें या तो राइट साइड से ऊपर करना है और लेफ्ट साइड से नीचे करना है, या लेफ्ट साइड से ऊपर और राइट साइड से नीचे, लेफ्ट राइट करते हुए हमें इसे बेल लेना है। आप चाहे तो मोटा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कितना बड़ा पराठा बेल लिया है और वो कहीं से भी फटा नहीं है, एक जैसा दिख रहा है। मैंने अभी ना ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा पतला रखा है। तो ये पराठा बेल के रेडी है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी साइज़ की लोई ली है, उसको आटे में डस्ट करके
हमें पूरी की साइज़ में या उससे थोड़ा सा बड़ी साइज़ में बेल लेना है। दोनों लोई को हमें अच्छे से बेल लेना है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। आप इस तरीके से भी पराठा बना सकते हो, इस तरीके से भी आपका पराठा नहीं फटेगा। तो अभी हमें स्टफिंग लेकर चारों तरफ से फैला देना है, थोड़े से साइड में बाकी रखना है और उसी के ऊपर हमें दूसरा पूरी रखना है और प्रेस करते हुए चारों तरफ से अच्छे से बंद कर लेना है। इसे सूखे आटे में डस्ट करके हमें सेम वे में बेल लेना है जैसे हमने पहले बेला था। अब देखिए ये भी कितना बड़ा बनाया है मैंने, पर ये भी कहीं से नहीं फटा है। तो अभी हमारे दोनों पराठे सेकने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे तवा गरम करके रखा है। तो हमें तवे के ऊपर ऑयल या घी कुछ लगाना नहीं है, पहले पराठा डालना है और हल्का सा बबल्स आने पे हमें उसे पलटा देना है। दूसरी साइड से भी हमें उसे अच्छे से पहले कुक होने देना है, उसके बाद आप घी या ऑयल जो भी लगाना चाहते हो वो लगाकर अच्छे से सेक लेना है। अभी हम उसका साइड चेंज करेंगे। आप देखिए पराठा कितना अच्छे से फूलने लगा है। मैंने दूसरी तरफ से भी घी लगा लिया है, आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोहे के तवे का ही इस्तेमाल करें, उससे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप देखिए ये फूलते ही जा रहा है, इतना बढ़िया दिख रहा है, क्रिस्प दिख रहा है। लोहे के तवे पे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अभी आप जितना भी क्रिस्प करना चाहते हो उसे क्रिस्प भी कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, तुरंत खाने को मन कर रहा है। तो अभी ये रेडी हो चुका है। ऐसे ही सेम वे में मैंने दूसरा पराठा भी सेक रही हूँ, जो मैंने दूसरे तरीके से स्टफ किया था। जैसा कि आपने देखा, मैंने दोनों तरीके से पराठे बनाया है, बट दोनों ही पराठे अच्छे से फूले हैं और एक भी पराठा फटा नहीं है। आप देख सकते हो इसका स्टफिंग भी कितना अच्छे से दिख रहा है। तो हमारे मस्त गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे और एकदम फूले फूले बढ़िया क्रिस्पी पराठे बनेंगे। आप इसे बटर के साथ या दही के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई ही होगी और पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाइए और ये पराठे आप ज़रूर से बनाएं और अपने फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।